Okay, so today's first फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन चली गई लगता है हाँ सर एक सेकंड क्रैश हो गया अब वापस आ गई सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ द सीरीज विच इज़ गिवन थ्री प्लस सिक्स प्लस इलेवन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंट थर्टी सेवन प्लस सेवेंटी एंड सो वन टोटल एन नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं यहाँ पे। सो so, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये करना अपन जानते हैं तीन और छः के बीच में डिफरेंस देखो सबसे पहले तीन और छः के बीच में डिफरेंस कितना है तीन का छः और तीन के बीच में कितना डिफरेंस है पाँच का ग्यारह और बीस के बीच में डिफरेंस है नौ का फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस है सेवनटीन का फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस है थर्टी थ्री का अब नेक्स्ट सीरीज में देखा यहाँ पे कितना डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस है फोर टू का यहाँ पे डिफरेंस है फ़ोर का यहाँ पे डिफरेंस है सिक्सटीन का यहाँ पे डिफरेंस है सेवेंटीन और थर्टी थ्री तेरह में से सात गया तो सिक्स अगेन यहाँ पे सिक्सटीन का डिफरेंस है ये कैसे सॉरी यहाँ पे सिक्स का डिफरेंस है सिक्सटीन का नहीं सेवेंटीन और एट का डिफरेंस है यहाँ पे ठीक है तो अब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे पहुँच के जी बन जाएगी और फिर इसका लिख पाएंगे अपन अपन तो अपनी काम करते हैं वही तरीका फिर एक बार कि सम को ऐसे लिख लिया एज इक्वल्स टू थ्री प्लस सिक्स प्लस इलेवन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी सेवन प्लस सेवेंटी एंड सो ऑन टेल एंड टर्म्स ठीक है और फिर से सम को एज इज लिख लिया बस एक यूनिट डिस्प्लेस करके सो थ्री प्लस सिक्स प्लस एलेवन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी सेवन एंड सो ऑन और जो आखिरी टर्म आएगी जैसे यहाँ पे कोई आर एथ टर्म है तो उसको बोल देते हैं अपन टी आर so, सो टी आर एक डिस्प्लेस होकर लिखा जाएगी यहाँ पे अब दोनों में से सब्सट्रैक्ट कर दिया सब्सट्रैक्ट किया तो एस माइनस एस विल बिकम जीरो थ्री माइनस ज़ीरो विल बिकम थ्री सिक्स माइनस थ्री एज थ्री ये वाली सीरीज़ लिखनी है जस्ट आप थ्री प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस सेवनटीन प्लस थर्टी थ्री एंड सो ऑन और चलते चलते जो आर एथ टर्म है वो नेगेटिव में आ जाएगी टी आर अब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजो सो so, हमारे पास क्या होने का स्मॉल टी आर इथ इक्व टू थ्री प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस सेवनटीन प्लस थर्टी थ्री एंड सो ऑन अच्छा इसकी आर्थ टर्म को अपन लिख देते हैं कैपिटल टी आर सो so, आरथ टर्म को इसको लिख दिया कैपिटल टी आर फिर वही कहानी फिर एक बार टी आर लिख दिया यहाँ पे एक डिस्प्लेस करके सो थ्री प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस सेवनटीन प्लस चलते चलते इसके नीचे भी कुछ आएगा और यहाँ पर जाएगा कैपिटल टी आर अब उठा के फिर सब कर दिया तो यहाँ से टी आर माइनस टी आर बिल बिकम ज़ीरो दिस थ्री माइनस थ्री दैट इज़ ज़ीरो थ्री माइनस सॉरी थ्री माइनस ज़ीरो इज थ्री एंड दिस थ्री माइनस थ्री इज़ ज़ीरोन टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटी नाइन सो ऑन चलते चलते कहाँ तक माइनस टी आर तक अब इस कैपिटल टी आर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आए सो कैपिटल टी आर इज़ नथिंग बट थ्री प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन ऐसा चलते चलते आखिरी तक अब ये जीपी बन गई है इसका सम का फार्मूला बन जानते हैं जब नंबर ऑफ़ टर्म्स देखना पड़ेगा यहाँ से ले कर यहाँ तक इस एक्सक्लूडिंग दिस टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स एन थी दीज वेयर एन टर्म्स अब जी में ये और ये हट गए यानी दो हट गए वहाँ से सो एन माइनस टू टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे सो दीज आर एंड माइनस टू टर्म्स विच आर फॉर्मिंग जी पी जिसका कॉमन रेशियो क्या है कॉमन रेशियो टू है और फर्स्ट टर्म टू है फर्स्ट टर्म भी टू है ना सो कैपिटल टी आर को फाइनली लिख देते हैं हम कैपिटल टी आर इज़ नथिंग बट थ्री प्लस यहाँ पर जी पी का सम का फार्मूला लगा देते हैं वॉट इज द सम फॉर जी पी फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स तो कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन रेशो माइनस वन सो टू माइनस वन तो ये आ गया टू माइनस वन वन होता है कोर्स सो टी आर इज़ फाइनली टी आर इज़ फाइनली थ्री प्लस टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन की पावर माइनस टू है सो so एक पावर और बढ़ जाएगी टू की सो so टू की पावर एन माइनस वन और इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू तो so, इसको लिख सकते हैं फाइनली अपन टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन दिस इज आवर कैपिटल टी आर ठीक है अब हमें क्या चाहिए हमें तो एस चाहिए सो कैपिटल टी आर का समेशन करेंगे तो स्मॉल टी आर आएगा स्मॉल टी आर का समेशन करेंगे तो कैपिटल एस आएगा सो नाउ स्मॉल टी आर इज नथिंग बट समेशन ऑफ कैपिटल टी आर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम वन से लेके एन तक सो कैपिटल टी आर को लिखा समेशन ऑफ टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन समेशन इज आर वन से लेके एन तक अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पर और इस पर तो ये तो जी पी बनेगी है ना तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आर की, तो की वैल्यू जब वन है तो टू की पावर ज़ीरो सो वन देन टू प्लस ऐसा चलते चलते कहाँ तक टू की पावर एन माइनस वन तक तो टू की पावर एन माइनस वन तक आ जाएगा प्लस समेशन वन समेशन वन 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 ऐड कर रहे हैं वन से लेके कर एन तक तो वो तो एन आ जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है अपने पास फिर से जी का फार्मूला लग जाएगा ये एक जी है जिसकी फर्स्ट टर्म वन है और तो नंबर ऑफ़ टर्म्स एन है यहाँ पर फर्स्ट टर्म वन है सेकेंड टू की पावर वन है और न न -1 है। तो एन एथ एन की पावर टू की पावर एन माइनस वन है सो नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ एन एयर सो so फार्मूला क्या लगेगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉमन रेशो माइनस वन प्लस एन तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या अपने पास आएगा टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन ये आ गया दिस इज स्मॉल टी आर कैपिटल टी आर क्या है कैपिटल uh, एस क्या है कैपिटल एस इज समेशन ऑफ स्मॉल टी आर वेर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम वन से लेके एन सो समेशन ऑफ दिस स्मॉल टी आर स्मॉल टी आर क्या है टू की पावर एन माइनस वन प्लस एन टू की पावर माइनस टू की पावर एन माइनस वन प्लस एन तो ये समेसन इन तीन में डिस्ट्रीब्यूट होगा है ना तो जब पहले में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जी पी बनेगी टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री एंड सो ऑन टिल टू की पावर एन क्योंकि आर वन से लेके एन तक है फिर इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस एन आ जाएगा और इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा एन पे तो क्या आएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय अच्छा हमने ये वैसे एन लिखा है यहाँ पे एन ना लिखते हुए आर लिखना चाहिए था है ना कायदे से क्योंकि ये आर एथ टर्म नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे आर हो गई थी यहाँ पे आर आना चाहिए था तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको आर कर लो वैसे मतलब तो वही है समझ रहे हो तुम ठीक है तो आर कर लो आर सब जगह यहाँ पे भी अपन ने आर कर लिया है ना ये तो फाइनल टर्म लिखी है दो ठीक है तो ये टू की पावर आर ये टू की पावर आर यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर सो so, ये भी आर ये भी आर ये सब आर हालांकि तुम समझ ही रहे हो क्या कर रहे हैं कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा फिर एन एन प्लस वन बाय टू ठीक है अब इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन कॉमन रेशियो माइनस वन माइनस एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ये फाइनल आंसर है अपना इसको और सॉल्टेड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं टू इंटू एन की पावर टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू माइनस एन प्लस एन एन प्लस वन बाय टू तो यहाँ जब टू और मल्टीप्लाई हुआ तो टू की पावर एन प्लस टू आ जाएगा एल्सियम ले लिया माइनस फोर माइनस टू एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू तो इसको लिखा अच्छे से टू की पावर एन प्लस टू फिर प्लस एन स्क्वायर फिर माइनस एन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली आया समझ में इंसेपन लगा रहे हैं बस आर के अंदर आर के अंदर आर सो so, नोट कर लो इसको अच्छे से बस सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ मेथड ऑफ डिफरेंसेस मेथड ऑफ डिफरेंसेस ठीक और यहाँ पे हम इसको कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा रहता है डिफरेंस मेथड डिफरेंस मेथड या कहीं कहीं पे इसको वी एन मेथड भी बोलते हैं वी एन मेथड तो ऐसा मेथड बैथड ये नाम वाम में कुछ नहीं रखा है बस तरी अभी तो जब आएगा हमारे सामने तभी हमें समझ में आएगा तो so, देखो कोई सम लिखा हुआ है इन टर्म्स का कुछ इस तरीके से टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस चलते चलते एंड सो ऑन सो so क्लियरली अगर हमारे पास ये ए पी है जी पी है या एच पी है एच पी तो नहीं ए पी या जी पी है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है और हम कर लेते हैं कुछ ए जी पी है तब भी कर लेते हैं डिफरेंस uh, लगा के एक यूनिट एडजस्टमेंट खिसका के लेकिन कुछ अलग टाइप की सीरीज़ बन गई जो इन सब तरीक़ों से नहीं हो रही जो जो हमने ने हम पढ़े अभी तक तो एक नर, नया तरीका लग सकता है उनमें वो तरीका क्या होता है कि हमने आरथ टम को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें कंसीडर आरथ टर्म ऑफ दीरीज दैट इज़ टी स्मॉल टी आर उसको कुछ कैपिटल टी आर माइनस कैपिटल टी आर माइनस वन के तरीके से रिप्लेस कर दें अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो फिर देखना क्या होगा देन टी वन क्या लिखेंगे हम टी वन लिखेंगे कैपिटल टी वन माइनस दूसरे कलर से लिखता हूँ उसको मैं टी वन लिखेंगे कैपिटल टी वन माइनस कैपिटल टी ज़ीरो फिर T2 क्या लिखेंगे T2 लिखेंगे कैपिटल T2 टू माइनस टी थ्री क्या लिखेंगे टी थ्री लिखेंगे कैपिटल टी थ्री माइनस टी टू टी फोर क्या लिखेंगे टी फोर लिखेंगे कैपिटल टी फोर माइनस टी थ्री एंड सो ऑन ऐसे चलते चलते लिखते जाएंगे सब और फाइनली स्मॉल टी एन क्या लिखेंगे कैपिटल टी एन माइनस टी एन माइनस वन अच्छा अब जब इनको अगर जोड़ दें अगर हम तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर टिल टी एन डैट इज़ एस एन ही बन जाएगा तो इस तरफ बन गया एस एन ठीक है और राइट हैंड साइड देखो टी वन में से माइनस टी वन कट गया टी टू से माइनस टी टू कट गया टी थ्री से माइनस टी थ्री कट गया तो ऐसे कटते जाएंगे आखिरी टर्म में कौन सा कटेगा पहली टर्म में पहली इक्वेशन में पहला वाला है सो आखिरी वाले में आखिरी वाला कटेगा ठीक है तो बच्चे का क्या फ़ाइनली फाइनली बचेगा टी एन माइनस टी ज़ीरो मतलब ऐसा कहें कि आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म बच जाएगी ये समेशन आ जाएगा बहुत इजीली अगर इस फॉर्म में अपन किसी तरीके से जमा पाए तो कंडीशन अप्लाइड है ना अच्छा मान लो सपोज़ अगर हम इस तरीके से ना जमा पाए अच्छा पहले तो इस तरीके ये समझते हैं ये है क्या एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ टी आर और यहाँ पे लिखा हुआ है टी आर माइनस वन यानी कि जब काउंटर आर है तब हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा और जब काउंटर आर माइनस वन है यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का है डिफरेंस आर के काउंटर का डिफरेंस है ये इससे वन पीछे ये इससे वन आगे है है ना सो वन काउंटर का डिफरेंस है यहाँ पे है ना एक अगर आर है सो so एक आर माइनस वन है एक अगर सपोज एक्स है काउंटर तो ये वाला एक्स प्लस वन है काउंटर का डिफरेंस कितना है वन तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं काउंटर डिफरेंसेस काउंटर डिफरेंस इज वन बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है मतलब कि ऐसी सिचुएशन में आ जाए हमारे सामने तभी हम ये लगा पाते हैं ठीक है अगर मान लो काउंटर डिफरेंस वन का ना बने टू का बन जाए तो यहीं पे इसके साइड में करते हैं कि कंसीडर कंसीडर जो स्मॉल टी आर है उसको हमने कैपिटल टी आर माइनस कैपिटल टी आर प्लस टू के फॉर्म में लिख दिया है ना इनका काउंटर डिफरेंस यहाँ पे टू है सो हेयर काउंटर डिफरेंस इज़ टू काउंटर डिफरेंस इज़ टू तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा देखते हैं चलो पहली टर्म लिखते हैं टी वन टी वन क्या लिखाएगी यहाँ पे कैपिटल टी वन माइनस कैपिटल टी थ्री है ना क्योंकि यहाँ पे आर प्लस टू है फिर स्मॉल टी टू क्या लिखाएगा कैपिटल टी टू माइनस कैपिटल टी फोर फिर टी थ्री क्या लिखाएगा टी थ्री लिखाएगा कैपिटल टी थ्री माइनस कैपिटल टी फाइव एंड सो ऑन ऐसा चलते चलते एक और लिख लेते हैं चलो कैपिटल स्मॉल टी फोर लिखाएगा कैपिटल टी फोर माइनस कैपिटल टी सिक्स ऐसा चलते चलते जो सेकेंड लास्ट टर्म है दैट इज़ टी एन माइनस वन वो क्या लिखाएगा कैपिटल टी एन माइनस वन माइनस टी एन प्लस वन क्योंकि दो बढ़ जाएगा काउंटर में और लास्ट टर्म लिखाएगा इस्मी एन इसवल टू कैपिटल टी एन माइनस कैपिटल टी एन प्लस टू अब जब इसको अपन समेशन करेंगे तो देखना लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड तो इन सब का सम बन जाएगा दैट इज़ द रिक्वायर्ड सम उसको ऐसे नहीं लिख दिया हमने अब टी वन को काटने वाला कोई नहीं है गौर से देखो इधर माइनस टी वन नहीं है टी थ्री को काटने वाला है क्या हाँ देखो टी थ्री माइनस टी थ्री है यहाँ पे टी थ्री यहाँ पर मौजूद है टी टू को काटने वाला कोई नहीं है क्योंकि टी टू मौजूद ही नहीं है और कहीं टी फोर को काटने वाला मौजूद है सिमिलरली टी फाइव को काटने का मौजूद है सो so, कुल मिला के यहाँ पर टी वन नहीं कटेगा और टी टू नहीं कटेगा तो आखिरी में सिमिलरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नहीं कटेगी बाकी सब कट जाएंगे ठीक है सो so, ऐसेन क्या आ जाएगा टी वन प्लस टी टू माइनस टी एन प्लस वन माइनस टी एन माइनस टू सो ये हो जाएगा हमारे पास टी वन प्लस टी टू माइनस टी एन प्लस वन माइनस टी एन प्लस टू तो जैसे यहाँ पे एक काउंटर का डिफरेंस था तो फाइनली आंसर में सम में दो टर्म्स आए थे यहाँ पे दो काउंटर का डिफरेंस है तो फाइनली आंसर में कितने टर्म्स आ रहे हैं फोर टर्म्स आ रहे हैं है ना तो इसको याद रखना है अपन को तो कैसे याद रखें तरीका ऐसी सिचुएशन में ये पहली टर्म थी ये दूसरी थी ये तीसरी थी ये चौथी ऐसे ऐसे चलते चलते ये एनथ टर्म थी सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सो जो बड़ी वाली टर्म है वो लास्ट टर्म आ गई यहाँ पे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और यहाँ पे चार कौन सी टर्म्स आई हैं यहाँ पे पहली शुरुआत की दो और आखिरी की दो ठीक है पहली शुरुआत की दो फर्स्ट और सेकेंड और आखिरी की दो एन प्लस वन और एन प्लस टू अच्छा जरूरी नहीं है मतलब हो सकता है नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइव मतलब लास्ट टू याद रखनी है अपन को है ना ये वन और एन ऐसे मतलब याद रखो इसको ऐसे याद रखो दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ लास्ट यहाँ पे फर्स्ट टू और लास्ट टू वो तो जब ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तभी अपन को पता चलेगा कि फर्स्ट टू और लास्ट टू कौन सी हैं यहाँ पे फर्स्ट टू और यहाँ पे लास्ट टू ठीक आई होप ये समझ में आ रहा होगा तरीका तुम्हें अभी दिमाग में भी बन रहा कि करें क्या इसका तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सो so, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो एक क्वेश्चन फाइंड द सम फाइंड द सम विच इज गिवन एज वन अपॉइंट टू थ्री प्लस वन अपॉइंट थ्री फोर प्लस वन अपॉइंट फोर फाइव प्लस एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स अब गौर से देखोगे तो ना तो ये जी पी बन रही है ना ए पी बन रही है ना एच पी बन रही है ऐसी कोई सी सीरीज नहीं बन रही है जिसका अपन कुछ कर सके ना ही ए जी पी बन रही है तो अपॉन में सबसे पहले अपन जनरल टर्म लिखते हैं इसकी तो जनरल टर्म लिखने के लिए हमने लिखा कैपिटल टी आर इज इक्वल्स टू पहली टर्म क्या टू है पैटर्न क्या है पहले तो समझ में ये समझते हैं वन अपॉइंट टू थ्री देन वन अपॉइंट थ्री फोर वन अपॉइंट फोर फाइव तो ये टू से थ्री हो गई ये थ्री से फोर हो गया और इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है वो भी बढ़ता जा रहा है उसका काउंटर भी सो so, क्लियरली ये तो भाई टू थ्री फोर एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस वन है और फर्स्ट टर्म टू है so, इसको लिख देंगे आर प्लस वन और इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे न, आर प्लस टू क्योंकि उसका भी कॉमन डिफरेंस वन है और पहली टर्म थ्री बनानी है तो आर प्लस टू लिखना पड़ेगा सो so, हमने आर्थ टर्म को इस एक्सप्रेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया ये बात समझ में आ रही है अब देखो अब इसको अपन तोड़ के कुछ लिखना चाहते हैं तो देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है एक आर प्लस वन है और एक आर प्लस टू है सो डिफरेंस इज़ ऑफ वन एक का डिफरेंस है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं कि आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन इज़ नथिंग बट वन सो आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन अगर लिख दिया मैंने सो so वन ही है इस वन को मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाई आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस टू तो ऐसा लिखने से क्या हुआ जब इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से तो हमारे पास क्या बनेगा ये बनेगा वन अपॉन आर प्लस वन माइनस जब आर प्लस वन डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो आर प्लस वन कट जाएगा और वन अपॉन आर प्लस टू बच जाएगा सो so हमने कुल मिला के टी आर को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया अब देखो यहाँ पे काउंटर डिफरेंस कितना है यहाँ पे काउंटर डिफरेंस वन का है कि अगर यहाँ पे मैंने आर रखा है तो यहाँ पे आर प्लस वन रखा है तो ये बन गया तो यहाँ पे कितना काउंटर डिफरेंस है काउंटर डिफरेंस इज़ वन तो अब काउंटर डिफरेंस वन का है यानी कि दो ही टर्म्स बचेंगी फाइनली तो लिखना शुरू कर दिया कैपिटल टी वन क्या होगा कैपिटल टी वन होगा वन बाई टू माइनस वन बाय थ्री कैपिटल टी टू क्या होगा वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर ऐसे लिखते जाएंगे कैपिटल टी थ्री क्या होगा कैपिटल थ्री होगा वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव एंड सो ऑन चलते चलते क्या लिखाएगा आखिरी टर्म कैपिटल टी एन इज इक्वल्स टू वन बाय एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस टू ये लिखा जाएगा यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए हमें तो कैपिटल टी जितने भी हैं उनका सम चाहिए यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस लेफ्ट हैंड साइड का सबका सम इज़ एस वही हमें फाइंड करना है इट इक्वल्स टू अब और से देखो यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री से प्लस वन बाय थ्री कट गया वन बाय फोर से वन बाय फोर कट गया तो क्लियरली बात क्या कही गई थी कि जब काउंटर डिफरेंस वन का आ रहा हो आर एक्ट टर्म में सो हमें फाइनली यही मिलेगा कि फर्स्ट टर्म जो भी होगी और जो लास्ट टर्म होगी उसी को अपन को जिंदा रखना है बाकी सब कट जाएंगे सो फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है बाकी सारे टर्म्स कट गए सो so आंसर क्या होगा वन बाय टू माइनस वन बाय एन प्लस टू वन बाय टू माइनस वन बाय एन प्लस टू ये सम हो गया फिर से देखते हैं एक बार मतलब कुल मिला के पूरा ये इस, इसके बाद तो पूरी स्टेप तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गई होगी इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो रही है सबसे ज़्यादा कि इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया ठीक है तो ये एक तरीका होता है ये जिस जनरल ऑब्जर्वेशन है अभी बस समझो इसको कि यहाँ पे ये कैसा लिखा हुआ था यहाँ पे ये लिखा हुआ था इस फॉर्म का यहाँ पर ये लिखा हुआ था वन जनरल टर्म तो लिख लीजिए टी आर ये लिखा है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी दिक्कत हो रही होगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो ये एक तरीका होता है ये वक्त के साथ तुम प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे ना ये पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका होता है तो दिस इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका और उसको पकड़ने के लिए क्या पकड़ना पड़ता है कि यार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस ये है सबसे पहले तो ये भी दिक्कत हो रही होगी कि क्या ये दोनों सेम है तो ये तो सॉल्व करके अपन बता सकते हैं कि यार न्यूमिरेटर में क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन लिखा हुआ है तो जो कि वन ही बनेगा तो क्लियरली दोनों बराबर तो हैं लेकिन ऐसा लिखने का उद्देश्य क्या है कि हम इनको दो फ्रैक्शन में बांट पाएँ जिनमें काउंटर डिफरेंस वन का आ जाए अगर काउंटर डिफरेंस वन का आ गया तब तो बहुत बढ़िया है ना फिर वो प्रोसेस लग जाएगा अपना टू का अगर जनरेट हो जाता तब भी लग जाता वहाँ पे चार टर्म्स आती हैं फिर आंसर में तो क्या सेंस बन रहा है इन सब बातों का नवींद्र एंड अक्षत नोट करो इसको एब्जॉर्व करो टेक योर टाइम डोंट वरी अबाउट टाइम एब्जॉर्व करो मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ समझ में आ गई ना अगर तो क्या ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे नहीं कहीं पर और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो सकते हैं इनडायरेक्टली तो ये तरीका तुम एंटीसिपेट कर पाया और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए या इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से कर लिया तो फिर तुम्हारे पास एक टूल डेवलप हो जाएगा जो कि बहुत कम बच्चों के पास रहेगा सो so, बहुत ध्यान से इसको पढ़ो और समझो तो so, एक और क्वेश्चन हम अपन करते हैं ठीक है तो और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी सो so, लिख लिया लिख लिया एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन यू फाइंड द सम फाइन द सम दैट इज वन अपॉन फाइव थर्टीन प्लस वन अपॉन नाइन सेवनटीन प्लस वन अपॉन थर्टीन ट्वेंटी वन एंड सो ऑन टिल एंड टर्म्स टिल एंड टर्म्स ये फाइंड करना है हमें तो सबसे पहले क्या करूँ प्रोसीजर वही है अच्छा ये तो मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ कि यार ना तो ये ए पी है ना ये जी पी है ना ये एच पी है मतलब ऐसा कोई भी नॉन चीज़ नहीं है ये ना ही स्लाइडिंग करके लिख पाओगे क्योंकि तो ये फ्रैक्शन में स्लाइडिंग करके तब लिखते हैं जब न्यूमरेटर में चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे अपन वही वी एन मैथड लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम आर एथ टर्म को रिप्रेजेंट करें किसी तरीके से तो यहाँ पे वन बाय फाइव और थर्टीन है यहाँ पे वन बाई नाइन और सेवनटीन है तो पाँच नौ और तेरह तो क्या ये ए पी में है तो हमने कहा बिल्कुल ए पी में सामने कहा ठीक है भाई इसकी जनरल टर्म क्या लिखें कॉमन डिफरेंस कितना है चार का सो फोर आर और पहली टर्म पाँच बनानी है तो फोर आर प्लस वन ठीक है दूसरा थर्टीन सेवनटीन ट्वेंटी वन ये क्या ए पी में है हाँ ये भी ए पी में है इसकी कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस क्या है चार का कॉमन डिफरेंस है तो फोर आर आएगा और पहली टर्म क्या बनानी है थर्टीन सो फोर आर प्लस नाइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है ये हो गया हमारे पास अब उठा के अपन को वही इसको दो फ्रैक्शन में बांटना है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो so, सबसे सब पहले देखा कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं दिस इज़ फोर आर प्लस वन और दिस इज़ फोर आर प्लस नाइन इन दोनों में इसका डिफरेंस लिया जाए तो कितना डिफरेंस आएगा एट का डिफरेंस आएगा यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ फोर आर प्लस नाइन माइनस फोर आर प्लस वन न्यूमरेटर में सो एक्चुअली में मैंने क्या लिखा है दिस इज़ नथिंग बट एट देखो गौर से फोर आर से फोर आर कट जाएगा नाइन से वन कट जाएगा तो एट बचेगा सो दिस इज़ नथिंग बट एट इसका मतलब मैंने वन की जगह एट जनरेट कर दिया यहाँ पे सो so एट जनरेट कर दिया तो एट से डिवाइड कर देंगे सो वन बाई एट से डिवाइड कर दिया यहाँ डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में वो तो है ही है फोर आर प्लस वन इंटू फोर आर प्लस नाइन ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया नेक्स्ट स्टेप में लिखा हमने वन बाई एट और यहाँ पर इसको जब इससे सॉल्व करेंगे तो फोर आर प्लस नाइन कट जाएगा बचेगा क्या वन अपॉन फोर आर प्लस वन और माइनस वन अपॉन फोर आर प्लस नाइन ये बच जाएगा ये बात समझ में आ रही है ठीक है तो हमने कहा चलो बढ़िया बात है अब ये टी आर है अपना सो यहाँ पे देखो कितने टर्म्स का डिफरेंस है कि अब काउंटर में हमने जैसे सपोज यहाँ पे आर रखा है तो यहाँ पे आर रखा और यहाँ पे क्या रखें ऐसा काउंटर में कि डिफरेंस इन मतलब देखना है हमें कि क्या रखें यहाँ पे इसकी जगह क्या रखें कि ये आ जाए मतलब यहाँ पे क्या फ़िट करें कि ये आ जाए तो देखा कि आर प्लस वन फिट किया तो आएगा क्या सो फोर आर प्लस वन यहाँ पर मैंने आर की जगह आर प्लस वन फिट किया है तो ये आ रहा है फोर आर प्लस फाइव तो नहीं आ रहा मतलब वन का तो काउंटर डिफरेंस नहीं है ना काउंटर डिफरेंस वन का नहीं है काउंटर डिफरेंस वन का नहीं है टू का चेक करते हैं टू का चेक करने के लिए एस आर की जगह क्या रखना पड़ेगा आर प्लस टू सो आर प्लस टू रखा सो फोर यहाँ पे आर प्लस टू रख रहे हैं आर प्लस टू क्योंकि आर से दो अगर बढ़ा के रखे रहे हैं तो आर प्लस टू ही रखना पड़ेगा प्लस वन तो ये देखा क्या आया फोर आर प्लस एट प्लस वन दैट इज़ फोर आर प्लस नाइन तो मतलब कि फोर आर प्लस नाइन आ गया दो का काउंटर डिफरेंस रखने पर तो इसका मतलब यहाँ पे काउंटर डिफरेंस कितना है काउंटर डिफरेंस टू का है काउंटर डिफरेंस इज ऑफ टू सो दो का काउंटर डिफरेंस है तो देखो क्या वाला फार्मूला यूज़ होगा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और चार टर्म्स आएंगी पहली टर्म दूसरी टर्म सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म ठीक है तो इसको लिखते हैं अब अपन डिटेल में यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि कैपिटल टी आर इज नथिंग बट वन बाई एट अच्छा इसको एट को कोई एट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि वन बाई एट से ही पूरा सम डिवाइड हो जाएगा सो so, चाहो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एट इन टू टी आर एज़ वन बाय फोर आर प्लस वन माइनस वन बाय फोर आर प्लस नाइन ठीक है अब काउंटर लगाना शुरू करते हैं सबसे पहले आर की जगह रखेंगे वन तो हमारे पास आएगा एट टी वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन यहाँ पे आया फोर वन बाई फोर और ये फाइव वन बाय फाइव माइनस वन बाय फोर आर फोर फोर थर्टीन ये आ गया फिर आर की जगह टू रखा तो यहाँ पे आया एट इंटू टी टू दो रखा तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पे चार बढ़ गया जाएगा यहाँ से दैट इज़ नाइन और यहाँ पे भी चार बढ़ that is 17. So क्या गया जाएगा दैट इज़ सेवनटीन फिर आर इक्वल्स टू थ्री रखा सो क्या आएगा एट टी थ्री इज इक्वल्स टू एट थ्री टी थ्री इज इक्व टू वन अपॉन थर्टीन माइनस वन ट्वेंटी वन फिर आर इज इक्वल टू फोर रखेंगे आर इज इक्व टू फोर रखा तो क्या आया एट इंटू टी थ्री दैट इज़ वन 17 सेवनटीन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फ़ाइव फिर आर इज ऐसा चलते चलते सेकेंड लास्ट टर्म रखेंगे दैट इज़ आर इज इक्वल टू एन माइनस वन तो यहाँ पे आएगा एट इंटू टी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन यहाँ पे आर की जगह एन माइनस वन रख के देखो तो ये आएगा फोर एन माइनस फोर प्लस वन सो दैट इज़ फोर एन माइनस थ्री सो फोर एन माइनस थ्री और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा एन माइनस वन रखेंगे तो फोर एन माइनस फोर प्लस नाइन दैट इज़ वन अपॉन फोर एन प्लस फाइव यही काट दो रोबर के ये फिर आर इध इक्वल्स टू तो एन रखेंगे लास्ट टर्म तब क्या आएगा एट इंटू टी एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन तो एन रखेंगे तो वो तो दिख ही रहा है वहाँ पे फोर एन प्लस वन और यहाँ पे फोर एन प्लस नाइन सो फोर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन फोर एन प्लस नाइन अब फिर वही कहानी दोहराएंगे हम यहाँ हैंड साइड ऐड करेंगे तो एट टी वन एट टी टू एट टी थ्री ये सब ऐड होगा यहाँ पे टी फोर होना चाहिए और इधर साइड क्या बन जाएगा एट इंटू सम अब इधर साइड वन बाय फाइव को काटने वाला कोई नहीं है ठीक है वन बाय थर्टीन को काटने वाला है वन बाय नाइन को काटने वाला कोई नहीं है है ना वन बाय सेवनटीन को काटने वाला है अब सबको काटने वाले हैं आखिरी में कौन बचेगा आखिरी में ये सेकेंड लास्ट टर्म बच जाएगी और ये लास्ट टर्म बच जाएगी सो आंसर इज़ आंसर इज़ वन बाय फाइव प्लस वन बाय नाइन वन बाय फाइव प्लस वन बाय नाइन माइनस माइनस वन बाय फोर एन प्लस फाइव माइनस वन अपॉन फोर एन प्लस नाइन और ये तो एट ऐसा आया तो एट से और डिवाइड कर लेंगे इसको सो एज इट इक्व टू वन बाय फोर्टी प्लस वन बाय सेवेंटी टू माइनस वन अपॉन एट फोर एन प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एट फोर एन प्लस नाइन ये आंसर आ जाएगा फाइनल आ रही है बात समझ में आ रही है थोड़ा अजीब सा प्रोसेस है लेकिन है तो सही तो कुल मिला के सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमें इसको तोड़ के लिखना पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के लिखने के बाद सोचना कि यार काउंटर डिफरेंस कितना है काउंटर डिफरेंस वन का है तब तो पहली और लास्ट टर्म वाला आंसर जनरेट कर देता है काउंटर डिफरेंस अगर टू का है सो so पहली दो टर्म और लास्ट टू लास्ट दो टर्म मिलके आंसर जनरेट करती हैं तो आ रही है ये बात समझ में एंड हर्षित नवींद एंड अक्षत नोट कर लो इसको एब्सॉर्व करो। लेट्स मूव एंड सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ लिखो फाइंड फाइंड द सम वन अपॉन थ्री क्यूब वन अपॉन थ्री क्यूब नहीं वन अपॉन वन क्यूब वन अपन वन क्यूब प्लस वन प्लस टू अपॉन वन क्यूब प्लस टू क्यूब ठीक है प्लस वन अप प्लस टू प्लस थ्री अपॉन वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एंड सो ऑन तो तुम्हें तो तो पैटर्न समझ में आ रहा है आर एथ टर्म लिख पाएंगे अपन इसकी है ना एंड टर्म्स इन्फिनी तक फाइन करना है क्योंकि ये डिमिनीशिंग सीरीज है सो so इन्फिनीटी तक सम फाइंड करना है तो सबसे पहले अपना काम क्या है तो ना तो अभी ए पी है ना तो जी है तो अजीब सी कोई सीरीज़ है तो हमने इसमें आर एच टर्म तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम क्योंकि पैटर्न समझ में आ रहा है सो टी आर विल बी रिटर्न एस कैपिटल टी आर को लिख देते हैं ये क्या आर एच टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे चलते चलते आर तक ये तो गिनती लिख रहे हैं अपन है ना डिवाइडेड बाय उनके क्यूब्स करना है आर तक सो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड सो ऑन टिल आर क्यूब सो इसका फार्मूला हम जानते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टिल आर इज़ नथिंग बट आर इंटू आर प्लस वन टू और इसका फार्मूला भी जानते हैं वो क्या होता है क्यूब का फार्मूला आर इन टू आर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है सो so, एक आर से एक आर कट जाएगा एक आर प्लस वन स्क्वायर से एक आर प्लस वन कट जाएगा एक टू से एक टू कट जाएगा सो so, इफेक्टिवली क्या बनेगा ये हमारे पास टू अपॉन आर इन टू आर प्लस वन सो दिस इज़ द आर टर्म अब ये फ्रैक्शन में आ चुकी अपॉन में तो हम वही टी को स्प्लिट करके लिखना चाहेंगे अब मुझे तुम दिमाग लगा के बताओ इसको स्प्लिट करके मुझे लिखना है एक टर्म माइनस दूसरी टर्म में तो टेक योर टाइम और आंसर बताओ इसका रिटर्न ट्रायल से करो यहाँ पर लिखा हो वन बाय आर आर ठीक है अब तुम इमेजन करो कि यहाँ से जो भी आएगा दो उससे निकल के ये आना है ठीक है तो क्लियरली एक में आर आ जाएगा और एक में आर प्लस वन आ जाएगा ठीक है अब ऐसा क्या लिखें यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस कि ऊपर वन ही बना रह जाए तो अगर यहाँ पे आर प्लस वन लिख दिया और यहाँ पे आर माइनस वन लिख दिया एक आर तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस वन है यानी कि यहाँ पे वन लिखने की ज़रूरत है जस्ट वन वन अब देखो इसको सॉल्व करके देख लो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इधर सॉल्व करोगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे आर प्लस वन यहाँ पर आएगा और यहाँ पे क्या माइनस आर आएगा डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस वन तो ऊपर वन बन गया आर से आर कट गया तो ये क्या आ गया अपने पास वन अपॉन आर आर प्लस वन ये आ गया ठीक है टू तो अपॉन तो आर आर प्लस तो टू तो बाहर कर देते हैं तो टू को ब्रैकेट से बाहर कर दिया कोई दिक्कत नहीं है उसमें है ना तो यहाँ पे क्या आ गया फाइनली वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन यहाँ आ गया अपने पास वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन अब इसके बाद तो तुम आसानी से सॉल्व करोगे तो जल्दी से करो फिर मैं फाइनली शॉर्ट में सॉल्व करूंगा आंसर बताओ अब इसके बाद तुम्हें तरीका पता है क्या करना है काउंटर चालू कर देना है देख लो इनके काउंटर में कितने का डिफरेंस है इधर अगर आर की जगह आर प्लस वन रखें सो दिस इज़ वी आर एंड दिस इज़ वी आर प्लस वन है ना तो वन का डिफरेंस है काउंटर डिफरेंस यानी कि पहली टर्म और आखिरी टर्म तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अब तो तो ज़रा तुम सॉल्व कर लो एक बार टेक योर टू मिनट्स टू सॉल्व दिस फटाफट सो इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद जस्ट टी आर को लिख लिया हमने टू वन बाय आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन ठीक है और टी वन लिखेंगे फिर टी वन इज एक जो भी आएगा यहाँ पे पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म फिर टी टू लिखेंगे वहाँ पे आएगा पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म फिर ऐसे लिखते लिखते टी एन लिखेंगे तो आएगा पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और पता है हमें क्योंकि काउंटर डिफरेंस वन का है सो ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी बाकी सब कट जाएंगी तो आंसर क्या होगा समेशन विल बी क्योंकि टू भी है यहाँ पे तो ऐसे ब्रैकेट के बाहर टू भी आएगा सब में ठीक है तो ये हो जाएगा अपने पास टू इन ये वाली टर्म ये वाली टर्म क्या होगी वन रखना है इसमें इसमें वन रख दिया सो वन बाय वन माइनस ये वाली टर्म मतलब कि इस वाले में एन रखना है सर वन यस तो हैं हैं। कुछ क्लियर नहीं, नहीं रहा अच्छा कट के आ रही है आप ठीक है तो यहाँ पे ये यह एसएन क्या हो जाएगा एसएन हो जाएगा टू वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अब उसने क्या इन्फिनिटी तक का सम पूछा है तो एन की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा सो एस इन्फिनिटी इज नथिंग बट टू इंटू वन माइनस वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है सो so, ये हो जाएगा अपने पास एन इन्फिनिटी इज टू टू दिस इज़ द फाइनल आंसर ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन में तुम लगाओ दिमाग ऐसे exactly एक्जैक्टली सेम प्रोसेस का एकदम सेम बिल्कुल सब कुछ सेम है बस कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है तो प्रोसेस फॉलो करना है मैं चाहूँगा ये तुम खुद से करो सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सो वी हैव फाइंड द सम फाइंड द सम Which is given as 3 by 1 square plus 5 by 1 square plus 2 square plus 7 by 1 square plus 2 square plus 3 square plus 9 by 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and so on till n terms. एंड टर्म्स में से फॉर्मूला दिया हुआ है और ये फाइंड करना है हमें ठीक है तो सबसे पहले क्या करो वही आर एस टर्म निकालो फिर उसको अरेंज करने की कोशिश करो सो योर टाइम्स बिगिन नाओ यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यही है कि यार न्यूमरेटर तो ए पी में बन रहा है ठीक है जिसकी जनरल टर्म क्या है तुरंत देख लेंगे कि दो का कॉमन डिफरेंस है टू आर प्लस वन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख देते हैं आर एच टर्म जिसका न्योमिनेटर हो गया टू आर प्लस वन और नीचे आर एच टर्म कैसे लिखेंगे जो नोमिनेटर मतलब वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ़ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जिसका फार्मूला हमें पता है दैट इज आर टू आर प्लस वन आर प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स यहाँ से टू आर प्लस वन टू आर प्लस वन कट गया तो क्या बचा वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन सिक्स अपॉन आर सिक्स अपॉन आर इंटू आर प्लस वन अब इसको स्प्लिट किया था लास्ट क्वेश्चन में वैसे इस यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे क्या हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन अब वही सिचुएशन वही कहानी फिर एक बार बनेगी कि यार ये अगर वी आर है तो ये वी आर प्लस वन है यानी काउंटर डिफरेंस वन का है मतलब कि पहली टर्म आएगी और आखिरी टर्म आएगी मतलब पहली टर्म में ये वाली और आखिरी टर्म में ये वाली ठीक है मतलब यहाँ पे वन रख दो तो ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे सिक्स पहली टर्म में वन रख दिया तो आ गया अपने पास वन माइनस आखिरी टर्म में एन रख दिया सो वन अपॉन एन प्लस वन ये आंसर आ गया ठीक है ऐसे ही करना है इसको एक और सवाल कर लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम into वन फैक्टोरियल प्लस टू into टू फैक्टोरियल प्लस थ्री into थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर into फोर फैक्टोरियल ऐसे चलते चलते n टर्म्स तक तो अगर फैक्टोरियल नोटेशन अपन को नहीं पता है तो बहुत ही सिंपल दौर में मैं तुम्हें मतलब बताऊं कोई दिक्कत नहीं वन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 2 factorial का मतलब होता है 1 इंटू टू थ्री का मतलब होता है वन इंटू टू इंटू थ्री फाइव फैक्टोरियल का मतलब होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव एन फैक्टोरियल का मतलब होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर टिल एन तक समझ फैक्टर फैक्टोरियल नोटेशन का यही मतलब होता है तो so ये बात अपन समझ सकते हैं अगर नहीं पता है तो पी एन सी जब पढ़ेंगे बाइनोमियल पढ़ेंगे तो ये डिटेल में समझ में आएगा ठीक है फिर हम आर एथ टर्म लिखना चाहते हैं इस समेशन की सो so, पहली टर्म है वन इंटू वन फैक्टोरियल दूसरी टर्म है टू इंटू टू फैक्टोरियल तीसरी टर्म है थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल सो क्लियरली आर एथ टर्म होगी आर इंटू आर फैक्टोरियल ठीक है अच्छा अब इसका क्या करें अब इसको अपन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है सबसे पहले तो क्योंकि एक ही टर्म है तो फिर कुछ नहीं बता सकते अपन तो अपन दो टर्म में डिवाइड करते हैं इसको इस आर को तोड़ के लिख देते हैं आर प्लस वन माइनस वन ऐसा क्यों किया ये सब एक्सपीरियंस से तुम्हें आएगा जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा करने से क्या हुआ वो समझ में आया तो शायद तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि ऐसा क्यों किया सो पहले तो आर प्लस वन का जोड़ा बना दिया आर फैक्टोरियल के साथ सो आर प्लस वन का जोड़ा बना दिया आर फैक्टोरियल के साथ और माइनस वन का जोड़ा बना दिया आर फैक्टोरियल के साथ तो केवल आर फैक्टोरियल बचेगा ठीक है अब देखो आर फैक्टोरियल में आर प्लस वन मल्टीप्लाइड है तो इमेजिन करो मैंने ऐसा लिखा हो सेवन फैक्टोरियल इंटू एट तो सेवन फैक्टोरियल क्या होता है वन इंटू टू इंटू थ्री टेल सेवन और उसमें भी एट मल्टीप्लाइड है तो so, ये कुल मिला के क्या बन गया ये एट फैक्टोरियल बन गया सो आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन क्या होगा दैट विल बी आर प्लस वन फैक्टोरियल ये आ गया अपने पास आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल तो अब ये लिखते ही हमें दिमाग में यार चमका कि यार अब ये हमने ऐसे ऑपरेटर्स में तोड़ लिया है जिसमें यहाँ पे वी आर प्लस वन है और यहाँ पे वी आर है यहाँ पे काउंटर आ आर है और यहाँ पे आर प्लस वन है यानी कि काउंटर डिफरेंसेस वन तो अब हम वही तरीका लगा सकते हैं तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर हमने लिखा है टी आर इज इक्वल्स टू आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल और वही सारी चीज़ें फिर से लिखना शुरू कर दी सो जब आर इक्वस टू वन है सो टी वन हो जाएगा अपने पास टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल जब टू है तो टी टू हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल जब थ्री है तो हो जाएगा फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन और जब आखिरी आएगा सो टी एन विल बिकम एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल अब लेफ्ट हैंड साइड सम करेंगे टी वेंटी टू टी थ्री तो ये बन जाएगा हमारे पास सम दैट इज़ एस और राइट हैंड साइड देखो अब क्या क्या कट रहा है टू फैक्टोरियल में से टू फैक्टोरियल कट गया थ्री में से थ्री कट गया फोर में से फोर कट गया तो यहाँ पर बचा क्या पहली टर्म बची और यहाँ पर ये बचेगी सिमेट्री से कह सकते हैं ये कट जाएगी सो यहाँ पर आर प्लस वन की जगह क्या रखना है एन सो दिस विल बी एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट वन ओनली इसको ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल हम्म यहाँ पर लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन क्योंकि वन फैक्टोरियल वन ही होता है तो ये हमारा आंसर हो गया एब्जॉर्व करो इसको बस एक अलग सा फैक्टोरियल नोटेशन आ गया है तरीका वही है इसी के बेसिस पे तो दिमाग लगाओ बस आखिरी बार सो so यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फाइन द सम द सम एंड दैट इज वन अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर प्लस टू अपॉन वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर प्लस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फोर और ऐसा चलते एन टर्म्स है ये सम फाइंड करना है हमें ठीक है तो सबसे पहले तो इसकी आरथ टर्म दिख रही है है ना टी आर इज नॉन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर फोर, ठीक है दिख रही है ये अच्छा एक चीज हमने देखी थी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर को अपन स्प्रिट कर सकते हैं तो so, वो मैं रिकॉल कराता हूँ तुम्हें वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर को स्प्रिट करके लिख सकते हैं हम वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसमें स्प्लिट करके लिख सकते हैं सो इसको हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से आर अपॉन वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर सॉरी मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर ठीक है ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ अब देखो जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि अगर इस टर्म में से उठा के हमने ये माइनस कर दी तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा वन से वन कट जाएगा और आर माइनस माइनस आर विल बिकम टू आर कुल मिला के ऊपर अगर टू आर होता तो बात बन जाती तो बना देते वन बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सो so, इसको स्प्लिट करके अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय जो डिनिनेटर है वो तो है ये दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन एंड देन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन और वन बाई टू बाहर निकल गया इफेक्टिवली ये जो लिखा है ना ये ये टू आर लिखा हुआ है यहाँ पे तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया अब लिखने के बाद क्या गया लिखने के बाद डिवाइड कर दिया स्प्लिट कर लिया इसको सो वन बाई टू पहली टर्म क्या बन जाएगी इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा डिनोमिनेटर में केवल सो दैट इज़ वन बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस जब इसको लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा ये बचेगा फिर वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन ये हो गया हमारे पास दिस इज़ अवर टी आर तो अब काउंटर देखते हैं कि काउंटर का क्या चक्कर है तो so, अगर हमने इधर आर की जगह आर प्लस वन रखा तो रख के देख लेते हैं एक बार ये हमारे पास है इसमें आर की जगह आर प्लस वन रख रहे हैं तो so, अगर ये बन गया तो फिर तो मज़ा आ जाएगा कि ये वी आर होगा और ये वी आर प्लस वन होगा सो so, रखा हमने सो so, आर की जगह क्या रखना है आर प्लस वन आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस वन प्लस वन सॉल्व so, किया गया आपने पास आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस प्लस वन माइनस आर माइनस वन प्लस वन तो वन से वन कट गया एक आर से एक आर कट गया सो दिस इज़ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन तो बिल्कुल ये आ गया है न इसका मतलब कि अगर ये वी आर है इफ़ दिस इज वी आर सो दिस इज़ वी आर प्लस वन यानी काउंटर डिफरेंस कितना है वन का तो so, अगर काउंटर डिफरेंस वन का है तो फिर क्या करते हैं वैसी सिचुएशन में अपन लिखते हैं सारे टर्म्स को देखना हैं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अपन टी वन इज़ हाफ़ और जब वन रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा वन अपॉन वन माइनस वन प्लस वन दैट इज़ वन बाई वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन दैट इज़ वन बाई थ्री फिर टी इज टू तो टू रखेंगे फिर टी इज इक्वल तो टू रखेंगे तो हाफ टू रखेंगे तो यहाँ पे टू स्क्वायर दैट इज फोर माइनस टू दट इज टू प्लस वन दैट इज वन बाय थ्री सो यहाँ पे क्या जाएगा वन अपॉन फोर प्लस टू दैट इज सिक्स प्लस वन सेवन ऐसे रखते जाएंगे क्लियरली चलता जा रहा है काम और जब लास्ट हम रखेंगे टी एन तो वहाँ पर आएगा हाफ वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन अच्छा एन आ गया आर की जगह माइनस एन स्क्वायर प्लस प्लस वन देखो क्या पैटर्न बन रहा है क्या चीज़ें कट रही हैं ये वाली कट रही है तो मतलब कुल मिला के ये सर्वाइव हुई सबसे पहले तो आखिरी वाली सर्वाइव करेगी और ये सब कट जाएंगी सो सम इज़ नथिंग बट हाफ और पहली टर्म माइनस आखिरी टर्म पहली टर्म क्या है वन वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन दिस इज़ द फाइनल आंसर है ना आया, ये समझ में आया तो इसके बेसिस पे मैं कुछ तुम्हें होमवर्क देता हूँ इसको तुम ट्राई कर सकते हो होमवर्क अच्छा तो सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चंस किए उन्हें पुनः करें तो पहला पुनः पुनः मतलब री रीडू फिर से करो उन्हें बिना देखे तो एब्जॉर्बेंस समझ में आएगा पैटर्न पकड़ लिया ना तुमने तो फिर सारे क्वेश्चंस कर दोगे और गलती से एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया सीरीज का तो फिर तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे मतलब मेन एग्जाम में और ये तरीका याद रह जाए बस पैटर्न याद रहे कि कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ है ही नहीं इसमें पूरी कॉन्टेक्चुअल मेमोरी है ठीक है तो इसमें तुम करना एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स यानी लास्ट एक्सरसाइज जो है ना लास्ट एक्सरसाइज उसका हो सकता है तुम्हारी तो बुक में कुछ नंबर अलग हो लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज लास्ट वाली यानी कि मेन एक्सरसाइज से पहले उसको कंप्लीट करना उसको हमने वन से लेके नाइन तक किया था सो अभी टेन से ले फिफ्टीन तक पांच क्वेश्चंस और उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ठीक है वी आर मैथड वाला और उससे पहले के इलस्टेशंस भी देख लेना ठीक है इतना करना का काफ़ी है बस तो ये अपना एक पार्ट ख़त्म होता है अब लास्ट पार्ट बताया बस चैप्टर का दैट इज़ इनिक्वलिटी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो ये ज़रूर करना ये दो काम इसको करने में तुम्हें लगेगा आधा घंटा और इसको करने में भी लगेगा आधा घंटा तो टोटल एक घंटे का काम है अवश्य करना ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय बाय 白色。Bye,